फांसीदेवा के विधाननगर जांच केंद्र की पुलिस ने नदी से अवैध रूप से बालू और पत्थर ले जाने के आरोप में एक व्यक्ति को ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस ने फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर इलाके में अभियान चलाकर बालू और पत्थर लदा एक ट्रैक्टर को पकड़ा। चालक के पास वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं प्रमोद लकड़ा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विधाननगर के बिजली मुनी इलाके का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चेंगा नदी से बालू और पत्थर को लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले में तस्करी करने का इरादा था। इस घटना में कोई और भी शामिल है या नहीं, पुलिस इसकी जाँच कर रही है। मंगलवार को आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया।